हाँ तो दोस्तों, टाटा पावर का स्टॉक आज अराउंड अगर हम देखेंगे तो 5 से 6% नीचे बंद हुआ है। तो इसके पीछे के क्या रीजन है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको टाटा पावर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी ये जो 4 दिन के हॉलीडेज थे तो यहाँ पर एक अपडेट आया था कि जो ब्लैक रॉक ये जो कंपनी है, ये जो टाटा पावर का ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो बेज है, यानी कि जो वो जो सेगमेंट है उसके अंदर अराउंड 10 से 12% का स्टेक वो कंपनी ले सकती है। और अगर हम वहाँ पे अगर हम देखेंगे अराउंड वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 34,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे वो वहाँ पे अराउंड 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो देखिए, पहले अगर हम देखेंगे तो ये मार्केट को नेगेटिव क्यों लगा है, क्योंकि देखिए अराउंड 40 से 45 हज़ार करोड़ के वैल्यूएशन के नंबर की पहले मार्केट में बात चल रही थी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे अराउंड 15 से 20% के डिस्काउंट पे ब्लैक रॉक की तरफ से यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि अगर 15 से 20% के डिस्काउंट पर अगर वो कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है तो इसे मार्केट नेगेटिव वे में ही लेगा। अब क्यों नेगेटिव वे में ले रहा है, क्योंकि देखिए पहले जो वैल्यूएशन एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, यानी कि अराउंड पहले 45,000 करोड़ का वैल्यूएशन एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अभी कौन से वैल्यूएशन पे ये पैसा आ रहा है, 34,000 करोड़ पे, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 10 से 11,000 करोड़ कम के वैल्यूएशन पे ये नंबर आ रहा है। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो उसको मार्केट ने पहले डिस्काउंट किया था, अगर आप देखोगे 80 से 90,000 करोड़ का ओवरऑल टाटा पावर का मार्केट शेयर हो गया था। और वहां पर अगर आप देखोगे अराउंड 30 से 40% का जो रेवेन्यू है वो रिन्यूएबल एनर्जी के बीच से आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली मार्केट इससे नेगेटिव वे में लेगा, और वही हमें यहाँ पे होता हुआ देखा है। वो क्या लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई है क्या? तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए ये जो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी पे जो जो टाटा पावर का फोकस हमें नज़र आता है, उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के ऊपर यहाँ पे कंपनी का फोकस हमें नज़र आता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे और एक ब्लैक रॉक जैसी एक प्राइवेट इक्विटी फर्म जो कि लगातार प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये छोटे मोटे रिटर्न के लिए कंपनी नहीं आती है। कम से कम अगर आप देखोगे तो 100-200% के रिटर्न के लिए उनके इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर भले ही उन्होंने 34,000 करोड़ के वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट किया, तो अगर उनके पैसे को अगर डबल होना है तो वहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो नॉर्मल वैल्यूएशन है वो अराउंड वहाँ पे 70,000 करोड़ होगा, तभी उन्हें वहाँ पे 100% के रिटर्न्स मिलेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, अगर सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का आने वाले 5 से 10 साल में अगर 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन हो जाता है, और वहाँ पे ट्रेडिशनल पावर बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की अगर हम बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो अराउंड वहाँ पे 2.5 से 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप आने वाले 5 से 10 साल में टाटा पावर ये कंपनी का हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से मुझे नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र नहीं आती है। टाटा पावर ये जो कंपनी है जो हर फॉल पे आपके रडार पे होनी चाहिए और आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि टाटा पावर का ये जो अपडेट हमने आपको दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।